श्री नान जी भाई प्रेम जी भाई सरकार को आवाज दूंगा सेवाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत अच्छा पवित्र कार्यक्रम है। यह भगवान सभी को मुबारक है। बहुत अच्छी अच्छी बात हो गई। हमारे अलाउद्दीन भाई उनको कोई जात नहीं है, खास ध्यान रखना। हिंदू जो नहीं करता वो सलाउद्दीन भाई करता है। मैं वर्षों से देख रहा हूँ, 40 बरस। बहुत कम लोग ऐसे, मैंने अवार्ड में भी लिखा हूँ, बहुत लाखों में करोड़ों में एक आध लोग ऐसा है जो दूसरे के लिए रात दिन चिंता करते। और भगवान की कैसी कृपा, अल्लाह की कैसी कृपा है, उनको नया जन्म मिला है। क्या बात है। जुपिटर में ऐसे पड़े थे, मुझे उनका पुत्र का फोन आया। नानजी भाई पिताजी का तबियत बहुत नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर बोल। मैं कुछ नहीं होने वाला, मैं आ जाऊं। मैं गया फट करके 10 मिनट के अंदर बस गया, क्योंकि उसको अगर टाइम होता है कितना टाइम जाना, मुझे कोई टाइम नहीं होता किधर जाने के। मैं बच गया, ऐसे पड़े मतलब कुछ नहीं होने वाला। ये अपने को नाटक कर रहे हैं। एक 2 दिन फिर जाओ क्या होता है देखो, मुझे बता दो। 2 दिन के बाद एकदम आज देखो नया जन्म मिला है। अल्लाह के मेहरबान उनके कर्म और साथ में कर्म ही आते हैं। देखो हमारे जलगांव से हमारे अध्यक्ष आए एजुकेशन या तो क्यों आए, एक प्रेम के खातिर आए कि नहीं एक हमारा आदमी अभिमान। मैं समझता हूँ भारत को अभिमान देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। भारत को, महाराष्ट्र को नहीं, भारत को अभिमान देना चाहिए। मेरी कॉलेज में सैकड़ों बार आ गए और 1 रुपया का कल लालच नहीं बताया। आज तो हमारे कवि हुए या कीर्तनकार है, पहला पैसा मांग 10,000 5,000 2,000 1,000 कभी नहीं। उसके लिए वो नया जन्म मिला है, खास ध्यान रखो। तो हमारे तुकार महाराज ने बहुत अच्छा बताया, देती खेती नरक आ जाती, पैसा लेने वाले कीर्तन करने वाले नरक में जाएंगे। मगर उसने उनका चेहरा वही देखो, देखो 40 वर्ष के पहले चेहरा था वही चेहरा अभी भी है। और अभी कितने वर्ष हमारे साथ मिलेंगे वो कहीं कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की इसके ऊपर बहुत कृपा है। आप लोग का सबका आशीर्वाद है। आप में मुझे अल्लाह दिखता है, मस्जिद में मुझे अल्लाह नहीं दिखता है। मेरी मस्जिद खुद की है अल्लाह की, मगर मैं निमित्त बन गया हूँ। मस्जिद तो हजारों है, मंदिर तो कहने का मतलब मंदिर में मस्जिद में अल्लाह नहीं रहता है। अल्लाह कहाने कहा घूमते हैं तो इसमें भी बैठे हैं कहाँ, मगर हमारे लिए कचरा निकल जाना चाहिए तो हमको सब में अल्लाह दिखेगा। अल्लाह कहा नहीं होगा बता देगा। मुझे वोट नहीं लेना है, मुझे आशीर्वाद नहीं लेना। मेरे पास गोड़न भरे आशीर्वाद के और पैसे के भी गोड़न भरे। वो मोदी ने एडी वाले को भेजा दे, मुझे चिंता नहीं। भगवान से डरता अल्लाह के सिवा इसके बाप से नहीं डरता। तो कहने का मतलब अल्लाह इसके अंदर है और है उसके लिए भारत को संदेश दे रहा है कि मनुष्य में भगवान है। भगवान को मंदिरों में नहीं बैठता है और उसको मंदिर में भगवान अपने में दिखता है उसको। और ऐसा प्रचार कर रहे हर घर में कुछ होता है ना कि भारत पार्क नहीं, मेरे साथ गांवड़े गांवड़े घूमते हैं। मेरी गाड़ी में जैसा वो खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला जय भगवान, वो भी जय भगवान जय भगवान करते हैं। तो कहने का मतलब हम सभी के अंदर भगवान है। भगवान कहानी है पीढ़िया सिगरेट तम्बाकू दर्द खास ध्यान रखो। मैं आगा भारत में प्रचार करता हूँ और अभी तो ड्रग्स का जमाना आ गया। देखो भारत में हमारे गुजरात में 70,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 70,000 करोड़35 दिन का इलेक्शन गुजरात के अंदर 635 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। तो जाएगा कहाँ राज्य में, तो भारत की पब्लिक में जाएगा। तो भविष्य क्या होगा हमारा। आज 8.5 करोड़ लोगों को कैंसर है, क्यों मीडिया सिगरेट तम्बाकू की वजह से, दारू की वजह से। भविष्य क्या होगा हमारा, युवा पीढ़ी के ऊपर हम समझते हैं, नजर रखते हैं कि कुछ युवा पीढ़ी हमको करके बताएगी। मुझे ड्रग्स के अंदर करके बताएगी, मैं खाते के अंदर देता हूँ उसमें। आप खुली रखो, आप लोग सब आप खुली रखो, हमारे बच्चे के ऊपर ध्यान रखो। कभी भूल से पाउडर ले लिया और इधर रगड़ दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरी आपको विनती है, लाउद्दीन भाई के लिए जितना भी बोलो उतना कम है। मैं कभी 8 बजे के बाद रात से घर में बाहर नहीं निकल, मेरी उम्र 82 है अभी, विचार करो आप। तो 8 बजे मेरा नियम है, मगर इसके लिए आया क्योंकि इसमें मुझे अल्लाह होली में मुझे अल्लाह रिश्ता नहीं हुआ। मुझे अभी शंकर का मंदिर में एक लोग लेके गए, एक जजमेंट दिया था। तो मैं बोला मेरे को उनके पास जाना क्या, मैं उनको 7.5 साल का टाइम दिया। तो कहने का मतलब आप इतनी बड़ी संख्या में और इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, कोई पीसी पार है, कोई एलो के लिए, कोई ऐसे लोग हैं, वो
सत्कार कभी करता है और ये अवार्ड बहुत महत्व का है। मैं भी लिख के लाया हूँ, मैं भी देने वाला हूँ, मैं इधर भी दूंगा और मेरी कॉलेज में भी दूंगा, क्योंकि ऐसे लोग कम है उसके लिए मैं दूंगा। ये हमारे भाईचारा का तो बोलो, इतना भाईचारा का बात करते हैं। अभी 26 जनवरी के बरस के पहले 26 जनवरी में आए थे और इतनी बात को की, हमारे प्रिंसिपल शिक्षक राज खुश हो। मेरे पास अभी 2.25 लाख बचे हैं, 2.25 लाख, उनमें 1.25 लाख लड़कियां हैं, ध्यान रखो। बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे एडवोकेट जज हुआ थे, एक ही घर का नाम रोशन था, बच्ची 4 घर का नाम रोशन करता है। हमारे सलाहुद्दीन भाई को पद्म से मिला, जो भी मिला मेरे पास तो गोल्डन भरा है, राष्ट्रपति 3 दफा दिया है, कितने अवार्ड मिला हिसाब की बात है, मगर एक ही घर का नाम रोशन करता है, 4 घर का नाम रोशन करती है। जज होगी तो, एडवोकेट होगी तो, कलेक्टर होगी तो, सीए होगी तो, डॉक्टर होगी तो, 4 घर का, माँ बाप का, इसलिए घर में जाएगा उसका, फिर माँ बाप का नाम रोशन होता है और खुद के बच्चों को कलेक्टर बनाते हैं। ऐसी हमारी बच्चियां कलेक्टर बना रही है आज की तारीख में, भी बोलता हूँ सरस्वती बड़ा हमारा समाज को आगे लाना है तो मात्र सरस्वती से आगे ला सकता है, पैसे से आगे नहीं ला सकता है। पैसा दो नंबर कितना ही जमा करो कोई फायदा नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा घर लंदन में है, उधर तो अपने इधर के डॉक्टर के उधर लाइन लगती है, लंदन फॉरन के लोग कितनी हमारे कल है, विचार तो उनकी कितनी है। हमारा भारत का डॉक्टर के घर में लंदन के लोगों की लाइन लगती है, तो उसका कारण है हमारे पे भेजा बहुत है, मगर हमारा भेजा शिक्षण की वजह से कम हो रहा है। सरस्वती बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है हमारे भारत के अंदर। 30 वर्ष फॉरन विदेश अपने से आगे है, उस राउदीन बैस जैसे भाई है उसके लिए हमारा समाज चल रहा है, ये तो बहुत कठिनाई भी है। फिर से सलाउद्दीन भाई को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और भगवान की अल्लाह की कायम कृपा रहने वाली है उनके ऊपर, क्योंकि उनके कर्म ऐसे है। मेरा भी कर्म, मेरे पास गोड़न भरे सबके, कुछ आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान देता है कर्म से। अल्लाह सब देखता है 24 घंटा, रात को हम सो, रात को सोते हैं, अल्लाह रात को भी सोते नहीं है, ध्यान रखो। भगवान और अल्लाह 24 घंटा हमारा नाटक देखता है, सलाउद्दीन भाई क्या करता है, हमारे जलगांव वाले क्या करते हैं, नासिक वाले क्या करते हैं, हमारे अंसारी साहब जो भी है वो क्या करते हैं, एडवोकेट क्या करते हैं, जज क्या करते हैं, 24 घंटा। और एक दिन उसके पास जाना पड़ेगा और जाने के टाइम अच्छा काम किया तो सलाम भरेगा और बुरे काम किया तो आंख में लोही आएगा, ध्यान रखना। और वो काम से अपने डरने का है भगवान से, अल्लाह से, और किस मरता है कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे पास 4 पुलिस है, हमने क्या करने का है पुलिस में, जो भगवान भी नहीं मार सकता है, क्यों मारेगा, हमने कोई अलग गलत काम ही नहीं किया, किसका बुरा लिया नहीं है, बुरा बोला नहीं है, कि क्यों मारेगा, सच बोलने में क्या पाप है, तो हम विष्णु एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तो फिर से मैं हमारे सभी मेहमानों को, आप भी मेहमान के रूप से हमको बैठाए हैं, उसका मतलब नहीं है कि आप बड़े हैं, कुछ बड़े नहीं, हम आपसे छोटे हैं, भगवान आप सभी में है, मेरे भी में है। और हमारा वारसी समाज तो सब में भगवान देखता है, उसके लिए वंदन करते हैं, और आज की तारीख में भी हम लोग सब वंदन करते हैं, क्यों करते हैं, अंदर अल्लाह है उसके लिए वंदन करते, अल्लाह निकल गया तो क्या वंदन करेगा। तो फिर से मैं आप सभी को, जो बड़े बड़े लोग सब आए हैं, उसको वंदन करता हूँ। और मुझे लगता है मेरे जैसे एकादी होगा ही था, बाकी सब हमारे समाज के भाई है, मेरे समाज के भाई से कोई नहीं मिलो। रामोड़ी के अंदर 90% मुस्लिम भाई है, मुमरा के अंदर 90% मुस्लिम है। मुस्लिम की लड़कियां क्या बोलती है, यह भगवान का कॉलेज मिलेगा तो हमको पढ़ना नहीं, तो मैं पढ़ने का नहीं है, तो मैं उस कैंटीन में मुमरा में कुछ एडमिशन देता हूँ, नहीं मुमरा में नहीं मिलता है, हमारे मुस्लिम कॉलेज में भी नहीं मिलता है, यह भगवान के कॉलेज में वो 10वीं में 11वीं में आती है और ग्रेजुएट होकर चले जाती है। इसके बाद फ्री है तो फिर ठीक है, नहीं है तो उसकी मार्क ऐसा रखते हैं, मतलब बाप माँ जी वो खोलो, दो लड़की जुड़वा है, एक को पढ़ाना इसको, एक को नहीं पढ़ाना, बोले एक के लिए 3000 में 1500 है मेरे पास, दूसरे के लिए पैसा नहीं, वो 1500 भी रख दो और दोनों लड़की को मैं ग्रेजुएट बता दूंगा। सरस्वती बनी है पाँच साल, सरस्वती बढ़ाओ, अपने समाज को आगे लाना, अपने नहीं कोई भी समाज को आगे लाना है तो सरस्वती बढ़ाओ। जो हमारे भाई आज जलगांव में काम कर रहे हैं, जलगांव के बहुत लोग, मेरी उनकी पसंद है, कहने का मतलब यही है मेरा, आज सलाउद्दीन भाई को मेरी यही विनती है, कल कवि में तो उसका नाम पूरा भारत के अंदर है, मगर कवि से भी मैं तो बता दूं, कवि तो करना ही है, मगर सरस्वती बढ़ाने का प्रयत्न सभी लोग ने, आप लोग ने जो इतना बड़े बड़े लोग आए हैं, आपके पास बहुत शक्ति है, भगवान ने अल्लाह ने दी है, तो शक्ति का सरस्वती के लिए उपयोग करो। हमारा समाज में जो नहीं पढ़ सकते मुझे बोलो, मैं एडमिशन दूंगा कोई भी कॉलेज में, भिवंडी में मेरे कॉलेज है, खास ध्यान रखो, कहाँ भी आप बोलो उधर मैं एडमिशन, MBA में भी दूंगा, BSc में दूंगा, मगर उधर थाना आने को भारी पड़ेगा, बोरीवली में, अंधेरी में, बहुत जगह पे। तो कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम भी बड़ी बड़ी स्कूल है मेरी, ये सब ईश्वर का कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है,
और ऐसा ही अलाउद्दीन सलाउद्दीन भाई के ऊपर ईश्वर की कृपा और अल्लाह का आशीर्वाद मिलते रहे, आप सबका भी आशीर्वाद मिलते रहे। भगवान के पास अल्लाह के पास प्रार्थना करके मेरे शब्दों को उत्तम होता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय राम। मैं मशरकी हल्के असम्बली के हमारे हादिल अजीज एमएलए जनाब रईस कासम शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए।